अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके लिए मैं emadocs.co.uk वेबसाइट लेके आया हूँ। आपको मैं इस वीडियो में ये बताऊँगा कि आपने इस वेबसाइट में अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, इसमें डिपॉज़िट कैसे करना है और इस वेबसाइट से अर्निंग कैसे करनी है। सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक को टैप करना है। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने बिल्कुल भी गूगल पे सर्च नहीं करना। आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक को टैप करना है तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपने सबसे पहले नेम लिखना है, उसके बाद आपने जेंडर को सही से सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने अपना ईमेल इंटर करना है, उसके बाद आपने कंट्री को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने अपना एड्रेस इंटर करना है, उसके बाद आपने पासवर्ड, उसके बाद आपने रिपीट पासवर्ड, फिर इजी पैसा अकाउंट है इसको आपने नहीं छेड़ना, उसके बाद आपने अपना इजी पैसा अकाउंट इंटर करना है और नेक्स्ट को टैप करना है। सारी इंफॉर्मेशन आपने सही से पुट करनी है ताकि आपको अकाउंट क्रिएट करने में कोई मसला ना हो और कल को आपको विड्रा लेने में किसी किस्म के इशू का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट को क्रिएट करने के बाद आपके सामने एग्रीमेंट शो होगा, इसको आपने पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपने एग्री को टैप कर लेना है। इस वेबसाइट की सबसे अच्छी बात क्या है कि मिनिमम विड्रा जो है वो 50 पाउंड है और इसमें विड्रा के लिए रेफरल की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। इस वेबसाइट की काफ़ी सारी वीडियोस YouTube पे मौजूद हैं लेकिन वो काफ़ी ओल्ड हैं और इस वेबसाइट में थोड़ी सी चेंजेस भी की गई हैं। पहले इसमें अमाउंट जो है वो डॉलर में शो होता था, अब जो अमाउंट है वो यूरो में यहाँ शो होती है। आप अमाउंट को यूरो से पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करके विड्रा ले सकते हैं। यूज़र एग्रीमेंट को एग्री करने के बाद आपके सामने ये पेज शो हो जाएगा। आपने यहाँ मिनिमम जो है, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि पहले पाकिस्तानी करेंसी में डॉलर के इक्वल जो भी अमाउंट बनती थी वो डिपॉज़िट करना होता था, अब आपने पाउंड में डिपॉज़िट करना है। आपने 2 पाउंड डिपॉज़िट करने हैं जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 1 पाउंड 375.36 PKR के इक्वल है और 2 पाउंड 750.72 PKR के इक्वल हैं। तो आपने 2 पाउंड यहाँ डिपॉज़िट करते हैं जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 750.72 PKR बनते हैं। आपको यहाँ इजी पैसा अकाउंट नंबर दिया जाएगा, आपने उसी अकाउंट नंबर पे अमाउंट सेंड करनी है। आपने अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर का नेम अच्छी तरह चेक कर लेना है। आपने पैसे सेंड करने के बाद जो सेंडर का नंबर है, ठीक है, वो आपने जिस नंबर से आपने अमाउंट सेंड की है वो और TRX ID आपने पुट करना है। ठीक है, आपने नंबर भी सही से चेक कर लेना है और TRX ID को भी सही से चेक कर लेना है, उसके बाद आपने सबमिट को टैप कर लेना है। अकाउंट होल्डर नेम और TRX ID को सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपने थोड़ी देर के लिए वेट करना है, तकरीबन आधे घंटे में आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। डिपॉज़िट अप्रूव होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको विड्रा का ऑप्शन मिलेगा, हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा, कलेक्ट का ऑप्शन है, इसके अलावा होम का ऑप्शन है, वर्क का ऑप्शन है, अमेज़ोन का ऑप्शन है। आप वर्क के ऑप्शन को टैप करेंगे तो यहाँ आपको एक प्रोडक्ट शो होगा, इसको आपने शेयर करना है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बाय भी कर सकते हैं लेकिन आपने इसको यहाँ शेयर करना है, इससे आपको अर्निंग होगी। इसके बाद यहाँ प्रोफाइल है, वैलेट है, टीम है, इनवाइट है, नोटिफिकेशन है, सेटिंग्स का ऑप्शन है और कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन है। और अगर आप एरो को निशान को टैप करते हैं तो आप लॉग आउट हो जाएंगे। ये कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन है।
इनवाइट के ऑप्शन को आप टैप करेंगे, यहाँ आप अपने लिंक को कॉपी कर सकते हैं और लिंक को शेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद प्रोफाइल का ऑप्शन है, इसको देख लेते हैं। यहाँ आपका यूज़र नेम है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, एड्रेस है और लेवल है। वैलेट के ऑप्शन को देख लेते हैं, यहाँ आपको आपका बैलेंस शो होगा और नीचे विड्रा हिस्ट्री में आपको डेट, अमाउंट और स्टेटस शो होगा कि आपका विड्रा अप्रूव हो गया है या अभी पेंडिंग में है। इस वेबसाइट के बारे में ये थोड़ी सी डिटेल मैंने आपको बता दी है। सेटिंग को टैप करेंगे तो यहाँ आप अपना इजी पैसा अकाउंट नंबर चेंज कर सकते हैं। यहाँ आप इजी पैसा अकाउंट नंबर चेंज कर सकते हैं, अकाउंट होल्डर का नेम जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। अगर आप चेंजेस करते हैं तो आपको अकाउंट नंबर डिटेल्स इस अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपने इसको ज्वाइन कर लेना है और डिपॉज़िट करके अर्निंग स्टार्ट करनी है। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, विड्रा दे रही है। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूँगा, उसको ज्वाइन करके भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं।